जो प्रश्न नंबर एक होता है उसमें जो 20 सेक्शन होता है, पहले प्रश्न का 20 सेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। जो मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में समझा दिया था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा रह गया था। मैं आज आपको उसी के आगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मोस्टली मैं जोड़िया मिलाओ और सत्य असत्य, संगत असंगत पद, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगी और किस प्रकार से वे प्रश्न आपस में संबंधित हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो प्रश्न हो चुके हैं उनको यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अभी हम लोग उसके आगे देखेंगे जो हमारा रह गया था। ये रिक्त स्थान की जो पूर्ति करो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ जाता है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो फिर ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं आप स्टार्ट करती हूँ स्वसंपन्न से। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मोस्टली जो सहसंबंध है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्योंकि हमको पहले और फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक देखना है आज। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न आते हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिया गया है सहसंबंध निकालना, है ना, तो जो आपको जो उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड है वो लिखना होता है। एक वर्ड आपको एक जोड़ी दी गई होती है, दूसरी जोड़ी जो आपको होता है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे दिया है ड्रोबेडाइनर और उसके आगे लिखा हुआ है त्रिक, है ना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अरे सेकंड चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो ड्रोबेडाइनर थे उन्होंने जो त्रिक का नियम है वो दिया था, है ना। तो अगर ड्रोबेडाइनर का रिलेशन यहाँ पे उनके द्वारा दिए गए नियम से दिया गया है, जैसे कि ड्रोबेडाइनर का त्रिक है ना, तो न्यूलैंड ने क्या दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अष्टक का नियम, है ना। तो सिंपल आपको क्या करना है अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो जैसे ड्रोबे रनर की जोड़ी यहाँ पे त्रिक के साथ है तो न्यूलैंड की जो जोड़ी होगी वो अष्टक के साथ होगी, जैसे कि यहाँ पे एक आपको आंसर दिया गया है ना। और उसी प्रकार मैंने यहाँ पे सब क्वेश्चन और आंसर के साथ ही आपको यहाँ पे दिया है, तो अगर बीच में कुछ छूट जाता है तो भी आप उसको मैं पीपीटी शेयर करूंगी वहां से देख सकते हो। सारे के सारे जो प्रश्न है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन होता है उतना भी तैयार कर लिया तो आपको पासिंग मार्क आराम से मिल जाते हैं, और वैसे तो आपको सारे के सारे प्रश्न ही यहाँ पे हल करने होते हैं। जितना आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे उतने मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पे दिया मेंडेलीव की आवर्त सारणी। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उसका रिलेशन यहाँ पे किससे शो किया गया है, परमाणु द्रव्यमान, है ना। इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो किस आधार पे बनी थी, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनी, है ना। फिर आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पे बनी थी, आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी परमाणु क्रमांक के आधार पर, है ना। तो वो जो हमारा सहसंबंध है जो वहाँ पे ब्लैंक दिया गया है वहां पे क्या लिखोगे, परमाणु क्रमांक। और इतना याद रखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब आंसर लिखना होता है तो वो डायरेक्टली खाली आंसर लिखते हैं नंबर डाल के, और ये सारा क्वेश्चन लिखना वो लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये पूरा एक लाइन से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखना होगा, इसको आपको अंडरलाइन करना होता है, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट दिखाई देता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस होते हैं। मैंने कहा चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके नंबर कट ही जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आपका ये आंसर लिखने का तरीका गलत है। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा ही क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखना है। उसके बाद दिया है समूह एक। समूह एक हम लोग को पता है कौन से तत्व हैं, क्षार के तत्व हैं। फिर यहाँ पे दे दिया है हेलोजन। अब हेलोजन कौन से समूह में आता है, हेलोजन आता है समूह 17 में, तो आप क्या लिखोगे, समूह 17। और आपको पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है इस प्रकार से। फिर दिया है आयोडीन का। आयोडीन कैसा है, ठोस। अगर आयोडीन का रिलेशन ठोस के साथ है तो ब्रोमीन का रिलेशन किसके साथ होगा। अब क्योंकि आयोडीन का यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी दिया है ठोस, तो ब्रोमीन का भी हमको फिजिकल प्रॉपर्टी ही शो करना है। वो कैसा होता है, द्रव रूप में होता है। और देखिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि हेलोजन वंश में आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन ये सब क्या है, ये सब वो समूह 17 के तत्व हैं, है ना। और ब्रोमीन क्या है, यह इकलौता ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म, अरे लिक्विड फॉर्म में होता है, या तो फिर केवल ये क्वेश्चन भी आता है कि समूह 17 का कौन सा तत्व है जो कि द्रव अवस्था में होता है, तो आपको लिखना है वहां पर कि जो ब्रोमीन है वही द्रव अवस्था में होता है। देखिए
एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसको कितने प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ये जो है फ्लोरीन और क्लोरीन, इसको जोड़िया मिलाओ के रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको जोड़िया मिलाओ के फॉर्म में भी आ सकता है, सहसंबंध के फॉर्म में। आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से प्रश्न दिया है। और ये एक जो वर्ड में आंसर लिखते हैं ना, एक मार्क का जो आंसर आता है लिखने के लिए, छोटा सा प्रश्न, उस रूप में भी आ सकता है। तो अगर आपने एक प्रश्न तैयार किया तो लगभग आप तीन प्रकार से प्रश्न को तैयार कर लेते हो। खाली आपको प्रश्न पहचानने आना चाहिए कि एक्चुअली में प्रश्न में पूछा क्या गया है। फिर दिया है यहाँ पर क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त। फिर समूह किसको कहते हैं? समूह कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, है ना। ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ा स्तंभ होता है। इतना याद रखिए कि जो इस प्रकार से पंक्तियां होती हैं उसको कहते हैं आवर्त, और जो खड़ी पंक्तियां होती हैं उसको कहते हैं समूह, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न अपना चैप्टर नंबर 3 से है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है 2H2 प्लस O2, ये क्या है? ये आपका वाटर बन गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी 2 हाइड्रोजन एटम, 2H2 को दे दिया गया आपको, पानी का दो अणु बन गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया थी? संयोग अभिक्रिया। अब आपको संयोग अभिक्रिया क्या होती है पता होना चाहिए। जब दो अभिकारक, अभिकारक कौन होता है? वो दो तत्व जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो तत्व जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद निर्माण हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो उसका क्या हो गया? उत्पाद, है ना। तो अगर दो अभिकारक से मिलकर एक चीज बनता है, कोई एक ही अब उत्पाद बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं संयोग अभिक्रिया, है ना, संयोग अभिक्रिया कहा जाता है उसको। अब यहाँ पे दिया है 2HGO, ये अभिक्रिया, यानी कि अब देखिए अभिकारक यहाँ पर एक ही है, मरकरी ऑक्साइड है। अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे अभिकारक एक ही है, जो अभिक्रिया करने वाला पदार्थ है वो एक ही है, लेकिन उसके बाद क्या बन रहा है? दो, है ना। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक से ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट बन गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपघटन। आप अपघटन लिखोगे तो भी सही है, और अगर विच्छेदन लिखोगे तो भी सही है, आप दोनों लिख सकते हो। अभी आपको यहाँ पर अपघटन भी लिखोगे तो भी सही, विच्छेदन लिखोगे तो भी सही, क्योंकि एक से ही ब्रेक होकर दो बन रहा है। फिर यहाँ पे दिया अमोनिया प्लस HCl क्या दे रहा है? अमोनियम क्लोराइड दे रहा है। ये हो गया संयोग अभिक्रिया। यहाँ पे भी सेम चीज है, दो अभिकारक हैं और दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संयोग अभिक्रिया। अब सेकेंड वाले में उसके नीचे उसका जो क्वेश्चन दिया गया है, आयरन और कॉपर सल्फेट, है ना, Fe प्लस DuSO4। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कॉपर था उसको आयरन ने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे देख रहे हो, है ना। कॉपर की जगह किसने ले ली है? अभी आयरन ने ले ली है, और कॉपर कहाँ चला गया? बाहर, है ना, रिप्लेसमेंट, किसी एक को हटा के किसी दूसरे को वहां पे फिट करना, ये क्या हो गया? विस्थापन, एक को विस्थापित कर दिया, कोई एक किसी दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गई, है ना। तो आपको इस प्रकार से कंप्लीट आंसर लिखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे मिथेनॉल, इथेनॉल दिया गया है, इथेनॉल है और सोडियम है ना, सोडियम इथोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल रही है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि ऑक्सीजन का लेना भी ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का त्याग करना भी ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, या तो फिर हाइड्रोजन का त्याग करना, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है ना, इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन उसका त्याग कर दिया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, है ना। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया,
या फिर आप कर सकते हो कि जो कॉपर था उसने ऑक्सीजन को त्याग दिया। तो जब कॉपर ने ऑक्सीजन को त्याग दिया, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण, है ना, अवकरण, या फिर उसको अपचयन भी कह सकते हो, अपचयन भी कहते हैं इसको। तो फिर आप इसका जो ऑक्सीकरण का उल्टा होता है उसको लिखते हैं अवकरण, है ना। दोनों अलग अपोजिट चीजें हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, अवकरण में ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन, और अवकरण को अपचयन कहते हैं, है ना। तो आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण का भी सिनोनिम्स और अवकरण का भी सिनोनिम्स दोनों आपको याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि वो जो किताब में चीजें दी गई हैं उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हो गया अपना क्या, अवकरण अभिक्रिया हो गई। फिर कॉपर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों की जो अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप क्या बन रहा है? कॉपर, कॉपर यहाँ पे क्लोराइड बन रहा है, और 2KCl यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, कॉपर क्लोराइड है। तो आप अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? कॉपर आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इन लोगों ने अपने परमाणुओं की अदला बदली कर ली, है ना। जो क्लोरीन था वो कहाँ चला गया? पोटेशियम के पास। आयोडाइड कहाँ आ गया? यहाँ पर आयोडाइड आ गया, यहाँ पे उसके आयोडीन की जगह पे। यानी आपस में इन लोगों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, है ना। जो परमाणु थे उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस करके एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लिया, अदला बदली कर ली है। तो इसको बोलते हैं युगल विस्थापन, युग्म विस्थापन या फिर युगल विस्थापन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे युगल विस्थापन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अभी देखिए, जिंक प्लस 2HCl। तो यहाँ पे तो खाली सिंगल आदमी है ना, सिंगल यानी सिंगल एटम है, उसने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्थापित हो गया, जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया दी गई थी, युगल विस्थापन, तो ये क्या है? सिंगल विस्थापन है। तो सिंगल विस्थापन को क्या लिखते हैं? खाली विस्थापन, है ना, ये खाली विस्थापन होता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि C12H22O11, है ना, शुगर कैसे। तो यहाँ पे क्या है, जब इसको गर्म किया जाता है तो कार्बन और पानी, पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, बचता क्या है? तवे के ऊपर खाली कार्बन बचता है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपघटन, क्योंकि एक ही अणु से, या फिर कह सकते हैं कि एक चीज है, कोई एक पदार्थ है, और उसको गर्म करने पर यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कार्बन और पानी के अणु, है ना। तो ये हो गया अपघटन। अब नीचे क्या हो रहा है अभिक्रिया? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, और एक ही यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का नंबर कितना है? एक ही है। ये क्या हो गया? संयोग अभिक्रिया। तो मैं इतना कहूंगी आप लोग को कि संयोग अभिक्रिया, विच्छेदन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया, युग्म विस्थापन अभिक्रिया, उष्माग्राही, उष्मा उन्मोची, ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार दिए गए हैं उसके साथ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण अवकरण, रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसको ऑक्सी अवकरण कहते हैं। ऑक्सी अवकरण यानी क्या होता है? ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं। तो ये छोटी छोटी जो परिभाषा है उसको आप लिख के उसका एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप याद करोगे तो भी आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी जोड़ियां मिलाओ। मोस्टली इस प्रकार के जो प्रश्न है ससंगत और असंगत प्रकार के आते हैं, सेकेंड और थर्ड चैप्टर से ही आते हैं, इसलिए मैंने सेकेंड और थर्ड चैप्टर का ही बनाया है। अभी देखिए जोड़िया मिलाओ, जैसे मैंने अभी कहा आपको अभी संगत असंगत पढ़ाने के समय कि उसको ही संगत असंगत को ही जोड़िया मिलाओ के रूप में भी, जोड़िया मिलाओ के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है ना। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जोड़िया मिलाने वाला कि मुक्ति वेग, ये मुक्ति वेग है, तो मुक्ति वेग का आंसर यहाँ पे क्या था? मुक्ति वेग का ये हो जाएगा फर्स्ट वन, है ना। और उसके बाद यहाँ पे गुरुत्व बल, चलो इन दोनों का क्वेश्चन बना के देख लेते हैं हम लोग। गुरुत्व बल क्या है यहाँ पर?
ये फोर्थ था, ये फोर्थ है, तो हमको दो जोड़ी मिल गई। अब इसी दो जोड़ी को संगत पद में लिखा जा सकता है, जैसे कि एक की जोड़ी इस प्रकार बन गई मुक्ति वेग इनरू टू जी एम अपोन आर, तो एक जोड़ी ये हो गई है ना। अब उसी को आगे पॉइंट लगा के इस प्रकार से ये प्रश्न आगे लिख दिया जाएगा, यानी एक आपको लिखा जाएगा और एक ब्लैंक रहेगा। तो आपको ये अगर आंसर याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जोड़ियां मिलाओ को भी संगत असंगत के रूप में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैंने एक दो क्वेश्चन देखे तो इस प्रकार के, इसलिए मैंने इस प्रकार आपको समझा दिया। तो अगर आप चाहो तो उस प्रकार से उसको भी तैयार कर सकते हो। जोड़ियां मिलाओ और संगत असंगत पद लगभग एक प्रकार से ही आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड टेबल जो आपको दिया, सेकेंड चैप्टर से दिया है, आधुनिक आवर्त सरणी पहले स्तंभ में दिया है, आधुनिक आवर्त सरणी ऊर्ध्वाधर स्तंभ हेलोजन सबसे छोटा आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सरणी, उसके बाद आप सेकेंड यहाँ पे कॉलम में देख रहे हो, यहाँ पे दिया है समूह 17 आवर्त 2 परमाणु क्रमांक समूह आवर्त 3। तो इसमें से आधुनिक आवर्त सरणी से मैच क्या करता है, तो वो क्या है परमाणु क्रमांक, क्योंकि आधुनिक आवर्त सरणी किसके आधार पे बना था, परमाणु क्रमांक के आधार पे बना था। फिर दे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़े स्तंभ होते हैं, मैंने आप लोग को अभी समझाया, जो खड़े स्तंभ होते हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उसको क्या कहा जाता है समूह कहा जाता है ना। तो समूह आधुनिक आवर्त सरणी में जो फर्स्ट था ये फर्स्ट हो गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह हेलोजन समूह 17। इतना याद रखिए कि जो हेलोजन और जो आइडियल गैस है ना, राजवायु उसको कहा जाता है, आइडियल गैस आइडिया उसको राजवायु भी कहते हैं, उसको शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं है ना, समूह 18 के तत्व भी कहते हैं। ये मैं बार बार आप लोग को समझाती हूँ ताकि आप उसको कभी भी किसी भी नाम से पूछता कंफ्यूज ना हो। और समूह 17 यानी हेलोजन होता है, 17-18 अगल बगल में होते हैं, केवल एक बाहर की कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है ना। तो समूह 17 जो है वो हेलोजन है, सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है समूह 2 है ना, सबसे छोटा आवर्त आवर्त 2 होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा अभी आवर्त और समूह समझाने के लिए मैंने आप लोग को डायग्राम यहाँ पे अटैच किया था। ये जो खड़ी आप कॉलम देख रहे हो इसको कहते हैं समूह, और जो इस प्रकार से कॉलम आप देख रहे हो इसको कहते हैं आवर्त है ना। और यहाँ पे कभी कभी खंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये डी खंड है, आप देख रहे हो कि ये पूरा इतना मिला के डी खंड है ना, और ये फर्स्ट आपका एस खंड, दो कॉलम एस खंड, बीच के जो कॉलम्स हैं वो डी खंड, और बाकी जो लास्ट के 6 कॉलम्स हैं वो पी खंड, और उसके बाद जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है नीचे का आप देख रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो आपको 36 पंक्तियां दी गई हैं उसको कहते हैं एफ खंड है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग अभी, और सेकेंड चैप्टर से यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन, ड्रोबेराइनर न्यूलैंड मोजले मेंडेलीव है ना। अब यहाँ पे साइंटिस्ट लोग का नाम दिया गया है, और सेकेंड कॉलम में क्या है परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान अष्टकें, उन्होंने क्या किस चीज के ऊपर काम किया था, किस चीज के ऊपर काम किया था उनका काम दिया गया है, और में दिया है साइंटिस्ट लोग का नाम। ड्रोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, मोजले परमाणु द्रव्यमान की संकल्पना को स्पष्ट किया था उन्होंने, परमाणु द्रव्यमान तो परमाणु क्रमांक होता क्या है एक्चुअली में, और मेंडेलीव ने आवर्त सारणी यहाँ पे जो था उनका परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे थी, जबकि उसी को सुधार के जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई वो परमाणु क्रमांक के आधार पे थी। ये मेन अंतर है यही है ना। और इसको भी कभी कभी संगत असंगत के रूप में लिखा जाता है। फिर है नेक्स्ट वन एक का सिलिकॉन, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर ले रही हूँ, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, एक का सिलिकॉन एक का बोरान एक का एल्यूमिनियम। एक का सिलिकॉन जिसको पहले ही जिसका नाम मेंडेलीव ने दे दिया था, उसका स्थान बता दिया था, लेकिन वो ब्लैंक रखा गया था क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में इस प्रकार के तत्व उनको मिल सकते हैं, और बाद में जब मिला उसका नाम क्या रखा गया
जर्मेनियम, एक का बोरान उसका नाम क्या रखा गया, स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम गैलियम। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करना। फिर निष्क्रिय, एक और यहाँ पे देखिए आपको जोड़ियाँ मिला दिए गई, निष्क्रिय गैस पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। निष्क्रिय गैस समूह 18 के तत्व है ना, जो निष्क्रिय गैस है वो क्या है, समूह 18 के तत्व है, लेकिन उसको इसमें यहाँ पे दिया है हीलियम है ना, हीलियम डायरेक्टली वहां पे नाम दिया गया है, तो हीलियम उसको आप लिख सकते हैं निष्क्रिय गैस के रूप में। फिर पहला आवर्त दो तत्व, पहले आवर्त में खाली दो तत्व होते हैं, आप टेबल में भी देख सकते हो है ना, पहले आवर्त में खाली दो तत्व हैं, यहाँ पे देखिए एक और दो है ना। फिर दूसरा आवर्त, दूसरा आवर्त में आठ तत्व होते हैं, जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो ये आप रिपीट के साथ अपने चैप्टर में भी कंपेयर कर सकते हो। फिर तीसरा आवर्त, तीसरा आवर्त है 18 तत्व है ना, 18 तत्व आप काउंट करोगे आपको टोटल 18 तत्व मिलेंगे वहां पर। उसके बाद जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा उसके ऊपर क्वेश्चन है, एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व, एफ खंड के तत्व, ये डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि जोड़िया मिलाव के रूप में भी आ सकते हैं, और यही प्रश्न घुमाकर संगत असंगत पद के रूप में भी लिखा, सहसंबंध के रूप में भी आ सकता है, सहसंबंध के रूप में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एस खंड के तत्व कौन कौन से थे, समूह 1 तथा 2 है ना, पी खंड के तत्व समूह 13 से समूह 18, डी खंड के तत्व 3 से 12, एफ खंड के तत्व लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने ये कहा ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी देख लेते हैं हम लोग, अभी सेकेंड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर है अपना, तो थर्ड चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आपको दो कॉलम दिए गए हैं, पहले कॉलम में दिया है अपचयन, ऑक्सीकरण, युग्म विस्थापन और विस्थापन। यहाँ पे दिया गया अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के नाम दिए गए हैं, अपचयन, ऑक्सीकरण, युग्म विस्थापन और विस्थापन। और दूसरा जो है वह है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ना। तो फिर यहाँ पे दिया है अपचयन, हाइड्रोजन ग्रहण करना। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग करना, या फिर ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का ग्रहण करना है ना, ये क्या होता है, अपचयन कहलाता है। फिर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का त्याग करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का त्याग करना भी ऑक्सीकरण होता है। फिर युग्म विस्थापन, आयनों की अदला बदली, जैसे मैंने कहा था कि परमाणु आपस में एक दूसरे का स्थान अदला बदली करते हैं, एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था अभी पीछे, तो ये आयनों की अदला बदली। फिर है विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का ये एक प्रकार है जिसमें कि एक किसी परमाणु को कोई दूसरा परमाणु रिप्लेस कर देता है, उसको स्थापित कर देता है। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला टेबल में दिया गया दीर्घकाल तक रखा खाद्य तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का चूर्ण डालना, लोहे पर जंग लगना। आपको यहाँ पे परिस्थितियां दी गई हैं कि इस परिस्थिति में आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपको कंडीशन दिए गए हैं, उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा वो आपको सेकंड कंडीशन में, सेकंड कॉलम में दिया गया है। दीर्घकाल तक रखा गया खाद्य तेल तो उसमें क्या आती है, बदबू आने लगती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता, विकृति गंधिता कहते हैं उसको। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना, ऊष्मा उन्मोची, ऊष्मा उन्मोची क्या होता है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलते हो तो पानी का तापमान अचानक से बढ़ जाता है, पानी का तापमान आप टच करके देखोगे तो बॉटल जिसमें आपने गर्म उसको घोला है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यानी कि वहां पे ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, वो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का चूर्ण डालना, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू रंग का होता है, आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट के टाइम, कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है, उसको जब पानी में घोलते हैं तो उनको नीले रंग का एक सॉल्यूशन मिलता है, और जब जस्ते का चूर्ण उसमें डालते हो तो अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, वो जो ब्लू रंग का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है, यानी उसका कलर ब्लू रंग गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो जस्ता था उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो जस्ता है वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव है,
जो ज्यादा एक्टिव होगा वो कम एक्टिव को रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया अभिक्रिया। फिर है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जो है वो धीमी प्रतिक्रिया है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह रखा और 2 घंटे फिर तुरंत आपने रखा यहाँ पे लोहा और तुरंत उसमें फिर जंग लग गया, ऐसा नहीं होता है। अभिक्रिया कुछ मंद गति की होती है, कुछ तीव्र गति की होती है। तीव्र गति यानी क्या, जैसे कि आप लोगों ने एसिड लिया, उसमें कुछ आपने कुछ पदार्थ डाल दिए, जैसे कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें नींबू डाल दिया, तुरंत वहां पे बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, एसिड बेस मिलाओगे तुरंत अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है, उसको कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। लेकिन वो अभिक्रिया जो धीरे धीरे होती है, जो मंद गति से होती है, उसका रिजल्ट हमको तुरंत नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय के बाद बाद में प्राप्त होता है, उसको कहते हैं मंद अभिक्रिया। तो लोहे में जो जंग लगना है वो एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है, तुरंत नहीं लगती है लेकिन धीरे धीरे ये अभिक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट वन है संयोग अभिक्रिया। स्तंभ दिया है आपको पहला, संयोग अभिक्रिया, युगल युग्म विस्थापन, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया में क्या दिया है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, है ना, और ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो ये अब एक साइड में अभिक्रिया दी गई है, एक साइड में अभिक्रिया का नाम दिया गया है। तो कौन से अभिक्रिया का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपको खाली मैच करना है। संयोग अभिक्रिया में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही, कि दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। वैसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। फिर युगल युग्म विस्थापन, युगल विस्थापन दिया यानी आपस में अदला बदली, जहां पे युगल की बताती वहां पे आपस में अदला बदली हमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। तो कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, AgNO3 प्लस NaCl क्या दे रहा है, AgCl प्लस NaNO3, है ना, आपस में परमाणुओं की अदला बदली हो गई यहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, यानी एक को आप अभिक्रिया करवाते हो और उससे दो चीजें बन जाती हैं अपघटन। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये थर्ड, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड। फिर लास्ट में विस्थापन, किसी एक को रिप्लेस करना, ये फोर्थ। तो आप जब जोड़िया मिलाओ का आंसर लिखते हैं, आप अगर आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के, चाहिए तो आप एक थर्ड कॉलम भी इसके साइड में बना सकते हो। जैसे कि प्रश्न आपने लिख लिया, ये फर्स्ट वाला हिस्सा यहाँ पर, सेकेंड वाला हिस्सा आप यहाँ पे लिख के थर्ड कॉलम बना के यहाँ पे आंसर करके सही आंसर आप ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर अच्छा दिखाई देगा। विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब एक तरफ आप देख रहे हो कि खाली नियम के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ नियम दिया गया है ना। तो दूसरे तरफ आपको जो नियम दिया गया है तो उसमें आपको खाली मैच करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या था, विद्युत धारा का वहन करने वाले किसी सरल चालक के चारों ओर निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। फिर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, चालक की प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा के वाहक पर बल की दिशा, इसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा के वाहक बल पर, वाहक पर बल की दिशा। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से तैयार करनी है। देखिए मोस्टली बच्चे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम इन दोनों में गड़बड़ करते हैं, तो आप इसका जो डिफरेंस है बहुत ध्यान से और अच्छे से तैयार करना। फिफ्थ वन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अभी फिफ्थ चैप्टर से, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्माधारिता, पदार्थ का तापमान बदलते समय पदार्थ द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा, है ना, आपके फर्स्ट कॉलम में ये दिया गया है। सेकेंड कॉलम में आपको दिया गया, यहाँ पर आपका जो सूत्र है वो दिया गया है। तो गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, Q = ML, है ना, ये गुप्त ऊष्मा का सूत्र है, उसको निकालने का सूत्र है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इसकी इकाई है ऊष्मा धारिता। पदार्थ का तापमान होता समय पदार्थ द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा कैसे निकालते हैं हम लोग, Q = MC डेल्टा T
तो डेल्टा टी है यहाँ पर वो स्टार्टिंग का और एंड का जो तापमान होता है, यानी उष्मा देते समय उष्मा निकालने के बाद, है ना, तो उसका जो डिफरेंस है वो प्रदर्शित करने के लिए डेल्टा टी यहाँ पर रखा जाता है। तो ये हो गया जोड़िया मिलाव के बारे में। अब देखिए मैंने ये चैप्टर से लिया है अपने पार्ट में से जो हम लोगों ने अभी पीछे हल किया, ये भी सेम चीज है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको, हाँ देखिए मैंने कहा था ना कि ये तीन कॉलम के रूप में भी आ सकता है। अब इस प्रकार से आएगा तो फिर आपको क्या करना होगा कि सिंपल इस प्रकार का जब प्रश्न आ गया, आपको तीन कॉलम ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन आपको इस प्रूफ में कॉलम बनाने के बाद सही जोड़ी लगानी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि दो यहाँ पे आपको अभिकारक दिए गए हैं, ओके, तो दो अभिकारक जो हैं बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना दिए और जिंक क्लोराइड बना दिए, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, युग्म विस्थापन, है ना। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो आगे पीछे लिखा गया है, आप जब आंसर लिखोगे तो एक लाइन से लिखोगे, आपको यहाँ पे लिखना है आंसर और उसके बाद तीन कॉलम बनाओगे, फर्स्ट में एज इट इज रहेगा, सेकेंड में ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, एकदम सामने टू सामने सामने आपको आंसर लिखना है। फिर सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड उसको जब गर्म करते हैं तो फाइनली वो क्या देता है, या फिर जब उसको धूप में रखा जाता है तो क्या देता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, तो क्या हो गया, अपघटन हो गया ना। तो सिल्वर क्लोराइड का ये और अपघटन, यहाँ पे मैं आपको एरो से शो कर रही हूँ, लेकिन आप एरो से शो नहीं करेंगे, आप सामने सामने आंसर लिखेंगे। फिर कॉपर सल्फेट और आयरन विस्थापन अभिक्रिया, कहाँ पे दिया गया ये, यहाँ पर, है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप इस प्रकार से सामने सामने आंसर लिखोगे, एरो से शो नहीं करोगे, ये एरो वाला काम अब नहीं चलता है 10वीं में, आप लोग हाई स्कूल में हो तो आप लोग को सिस्टमेटिकली आंसर सही सही लिखना है। फिर है दो अभिकारक हैं यहाँ पर, दो अभिकारक क्या बना रहे हैं, देखिए एक उत्पाद बना रहे हैं, है ना, तो कैसा हो गया, संयोग अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से आपको आंसर कंप्लीट लिखने के लिए सीधे सीधे सामने सामने लिखना है। अभी देखिए सत्य और असत्य, सत्य असत्य के बारे में देख लेते थोड़ा सा। गुरुत्वाकर्षण में दिया गया है कि यदि किन्हीं दो द्रव्य कणों के बीच की दूरी दुगनी कर दे तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम पहले का आधा हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा, क्या है असत्य, क्या है कि असल में वो 1/4 हो जाता है पार्ट, लेकिन तब चौथाई खाली बल लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले वहां पर, अगर आपको फार्मूला याद होगा GMM, है ना, क्या होता है यहाँ पर, F बराबर क्या था, MM अपॉन R स्क्वायर था, है ना, R स्क्वायर, R क्या था, दो कणों के बीच की दूरी, ये दो कण है उनके बीच की दूरी, तब R का स्क्वायर है, अगर दोगुनी कर दे मतलब 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 2R का वर्ग, है ना, ऊपर का मैंने लिख रही हूँ, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, है ना, यानी कि बल कितना हो गया फिर 1/4 गुना हो गया। अगर आप दूरी दोगुनी करते हो तो उसका बल डायरेक्टली 4 गुना कम हो जाता है, यानी चौथाई हो जाता है, डायरेक्टली उसका बल खाली चौथाई रह जाएगा, बल बहुत कम हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में जी की इकाई डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर है, सत्य है, ये सही है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, देखिए सत्य सत्य में क्या होता है कि कभी कभी खाली इतना पूछता है कि सत्य या असत्य, तो आपको वहां पे अगर सत्य है तो सत्य लिख के आंसर खत्म कर देना है, असत्य बोला है असत्य है तो असत्य लिख के आप आंसर छोड़ देते हो, आपको नंबर पूरा मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सही करके लिखो बोला होता है कि जो असत्य है उसको सही करके लिखो, सही आंसर लिखो, तो ऐसे में जो आपके जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, आधा नंबर सत्य सत्य लिखने पे मिलता है और आधा नंबर क्या मिलता है उसको सही करके लिखने पर। तो फिर अगर आप खाली सत्य सत्य लिख के छोड़ देते हो और सोचते हो कि आपको पूरा नंबर मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा, तो वहां पे आपको खाली आधा नंबर मिलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा तब जब आप उसको सही करके लिखोगे तब। तो आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए पहले कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे कम होता है, और देखिए असत्य, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, है ना, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण अधिक एक्टिव होता है, या आपने पढ़ा है, द्रव्यमान एक सदिश भौतिक राशि है,
असत्य अदिश भौतिक राशि है, द्रव्यमान एक अदिश भौतिक राशि है, क्योंकि द्रव्यमान आप कहीं भी जाइए वो परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित क्या होता है? भार। द्रव्यमान और भार में आपको अंतर पता ही होगा। भार सदिश राशि है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण, किसी भी ग्रह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर डिपेंड होता है ना, गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा उतना अधिक भार काम करेगा। लेकिन द्रव्यमान कुल द्रव्यों की संख्या होती है, द्रव्यों का कुल अमाउंट होता है जो कि हर जगह फिक्स होता है। विषुवत वृत्त पर जी का मान सबसे अधिक होता है, विषुवत पर जी का मान सबसे अधिक होता है, यह असत्य है ना। अब देखिए यहाँ पर सेकंड चैप्टर का समान रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का तीन तीन के समूह तत्व को मिलन ने वर्गीकरण किया। समान रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का तीन तीन के समूह में सर्वप्रथम न्यूलियन ने वर्गीकरण किया, ये सत्य है क्या? नहीं। तीन तीन के समूह में किसने डिवाइड किया था? ड्रोबेरानर ने किया था, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ड्रोबेरानर तकनीक कहते हैं। न्यूलियन ने अष्टक का नियम दिया था, है ना, न्यूलियन ने अष्टक का नियम दिया था, यानी उसने आठ आठ का समूह बनाया था। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? ड्रोबेरानर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह का नाम त्रिक रखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह का नाम त्रिक रखा सही है, क्योंकि उन्होंने समान जो गुणधर्म वाले थे उनको एक साथ रख के उनका ही समूह बनाया था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ड्रोबेरानर का त्रिक। फिर थर्ड वन है, ड्रोबेरानर ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, असत्य है, ड्रोबेरानर ने त्रिक का नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। तो जो फोर्थ वन है, न्यूलैंड ने त्रिक का नियम प्रतिपादित किया, ये भी रॉन्ग है, ये क्या होगा? अष्टक का नियम होगा। एका एलियन का नाम बाद में बदल के जर्मेनियम रखा गया, फिफ्थ वन असत्य है। ये मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, वही वाला चीज है यहाँ पर। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि वही प्रश्न जो हम लोगों ने सत्य अपना जोड़िया मिलाव में पढ़ा, संगत असंगत पद ने पढ़ा, ससंबंध ने पढ़ा, उसी को घुमा के देखिए यहाँ पे सत्य सत्य के रूप में दे दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आपको देखोगे कि अगर आपने एक चीज भी तैयार किया, अगर आपने जोड़िया मिलाव तैयार कर लिया, अगर आपने ससंबंध तैयार कर लिया, तो आप उसको जोड़िया मिलाव के रूप में प्रश्न आया तो भी लिख सकते हो, सत्य सत्य के रूप में प्रश्न आया तो भी लिख सकते हो। अगर किसी भी रूप में वो प्रश्न घुमा फिरा के आपको दे दिया जाता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका सत्य सत्य के बारे में सेकंड चैप्टर का। अभी टाइम थोड़ा सा कम रह गया है तो मैं जल्दी से खत्म कर लेती हूँ यहाँ पर सत्य सत्य। देखिए यहाँ पर थर्ड चैप्टर का लोहे पर जंग लगना तीव्र अभिक्रिया है। देखिए इसी चीज को एग्जैक्टली हम लोगों ने अभी जोड़िया मिलाव के रूप में पढ़ा, है ना, जो लोहे पर जंग लगना तीव्र अभिक्रिया है, ये असत्य है, है ना, ये मंद अभिक्रिया है। दूध का दही में रूपांतरण रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि अब दूध से आप दही से वापस से दूध नहीं प्राप्त कर सकते, उसका स्वाद बदल चुका है, स्वाद बदल गया, उसका गुणधर्म बदल गया। तो जिस पर अभिक्रिया में किसी का मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, फिर से वो हम लोग अगेन नहीं कर सकते, तो क्या हो गया? वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी लवण तथा पानी में होने वाली अभिक्रिया ऊष्मोन्मोची अभिक्रिया होती है, ये असत्य है। जरूरी नहीं कि हर इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें लवण और पानी घोलते हैं उसमें ऊष्मा का उन्मोचन हो, जरूरी नहीं है, है ना। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिए सत्य सत्य के रूप में, मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी, आप थर्ड चैप्टर का ये ध्यान से देख लेना। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है यहाँ पर, आपको कुछ भी इसमें से डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत शक्ति का आई स्क्वायर आर, है ना, तो इक्वल टू था ना आई स्क्वायर आर, तो ये सत्य है। फिर फर्स्ट वन, चुंबक के ध्रुव सदैव जोड़ी के रूप में होते हैं, सत्य है, नॉर्थ एंड साउथ पोल ही होते हैं ना, आप कितना भी तोड़ते जाओगे उसको लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि खाली नॉर्थ मिल गया आपको, ऐसा नहीं होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल अपने आप निर्माण हो जाएगा वहां पर। विद्युत चुंबकत्व की खोज ओरस्टेड ने की थी, सत्य है, चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, गलत बात है ये, चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है, उसका प्रभाव और कम होने लगता है। चुंबक से जितना दूर जाओगे उसका असर कम होते जाएगा, और जितना नजदीक चुंबक के आओगे उसका असर उतना स्ट्रांग होते जाएगा।
चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये भी सत्य है। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, है ना, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, दूसरे को ढकेलने का काम करती है। विद्युत धारा के निर्माण के लिए विद्युत जनित्र का उपयोग करते हैं, छठवां सत्य है ना। विद्युत धारा के निर्माण के लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं ना, जनित्र जनरेटर। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सत्य। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, इसका उल्टा है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। फिर लास्ट वन है घरेलू विद्युत संयोजन में जुड़ा विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट घंटा में करता है, सही है ना, ये सही है। फिर देखिए फिफ्थ चैप्टर का संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को ग्राम प्रति कैलोरी इकाई में व्यक्त करते हैं, असत्य। ग्राम प्रति कैलोरी का डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, ये गलत है ना। पानी का तापमान 0 से 10 तक बढ़ाने के जाने पर पानी के आयतन में सतत वृद्धि होती जाती है, असत्य। ओसांग पर सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, सत्य। क्योंकि ओस का निर्माण कब होता है, जब 100% पानी का वो अब अवशोषण कर चुका है, हवा अब और पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तब एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो हमको बूंद के रूप में, भाप के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है ना, तो ये सही है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, 4.182, नहीं ये भी सत्य है। सापेक्ष आर्द्रता की इकाई नहीं होती, सत्य। निरपेक्ष आर्द्रता को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इकाई में मापते हैं, ये भी सत्य है। तो देखिए ये कुछ स्वाध्याय के लिए भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसको किताब में नोटबुक में लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आगे हमको लेक्चर मिला तो हम फिर ये छोटे वाले प्रश्न भी आगे देखेंगे। बाकी सारे मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको दे दिए हैं, आप इसको आराम से नोटबुक में या फिर अंदर इसको आप PPT के रूप में भी इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो मेरा लेक्चर मैं अभी यहाँ पे समाप्त करती हूँ, यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। किसी को इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैडम उसका आंसर बताएगी। अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ मैडम, शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है, सभी को अच्छे से समझ में आया, धन्यवाद मैडम।